केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ के बकाए सूद को माफ करने का ऐलान किया है। ये माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के सूद पर लागू होगी। इसके लिए सरकार द्वारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी नाबार्ड को अनुदान दिया जाएगा। इससे छोटे पैमाने के किसान अधिक लाभान्वित होंगे। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस ऐलान से फायदा होगा। इस फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है। इसके लिए सरकार नाबार्ड के जरिए सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा मुहैया करवाएगी। ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे। इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 2016-17 में जारी किए गए 15,000 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। तो नोटबंदी के बाद सरकार की यह बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे किसानों को राहत मिलेगी जो कि कई तरह से फसलों को नुकसान होने के कारण आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं चुनावी मौसम के दौरान सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।